नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। आज सोरेसिस के बारे में बात करूंगा और सोरेसिस को इस तरीके से ठीक किया गया जिसको आप एक तरीके से मिरेकल समझ लीजिए या चमत्कार समझ लीजिए। मैं आज अपने ट्रीटमेंट की खासियत नहीं बताऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि ट्रीटमेंट से कैसे आप आराम से क्योर हो सकते हैं। मैं अपने ट्रीटमेंट का कुछ ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, बट एक्चुअली आयुर्वेद में इतनी पावर है जो आपके सोरेसिस को ठीक कर सकती है। आज ऐसे ही पेशेंट की बात करूंगा जो 85% रिलीफ ले चुके हैं सोरेसिस का, और उनके साथ उनके बीच में ट्रीटमेंट के दौरान भी टाइफॉइड हुआ था, और टाइफॉइड में उन्होंने अपनी मेडिकेशन को भी स्किप किया था थोड़ा टाइम, क्योंकि फीवर वगैरह स्टार्ट हो गया था बॉडी में। तो फीवर के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी इम्यूनिटी हैम्पर्ड हुई, डिस्ट्रॉयड हुई, फिर उन्होंने उसी पोजीशन पे गए, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। टाइफॉइड को भी झेला और साथ में अपनी सोरेसिस की रिकवरी भी ली, और कोई भी 1% का भी एग्रवेशन नहीं देखा उनके अपने शरीर पे। आज वैसे ही पेशेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट की ही। एक ऐसे पेशेंट जिन्होंने 8 साल तक अपने सोरेसिस को अपने साथ रखा, साथ में उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए, एलोपैथिक की मेडिकेशन की, वो भी 5 साल तक अपना ट्रीटमेंट दिया स्कैल्प सोरेसिस का उन्होंने कि उनका सोरेसिस ठीक हो जाए। बट जब तक वो एलोपैथिक लेते रहे तब तक थोड़ा नॉर्मल होता, जैसे ही उन्होंने अपनी मेडिकेशन को छोड़ा, जैसे अपने स्टेरॉइड्स छोड़े, वैसे इतनी जल्दी एग्रवेशन हो गया, पुराने पैच से भी बड़ा वाला पैच उनके फिर स्कैल्प पे होने लगा। फिर देन क्या हुआ, उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे को राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वो होम्योपैथ की तरफ गए। होम्योपैथ में उन्होंने तकरीबन 2 साल ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी एग्रवेशन देखी, बॉडी एकदम से एग्रवेट कर बैठी सोरेसिस को। फिर उन्होंने एंड द लास्ट क्या कहा, डॉक्टरों ने उनको वो रिकमेंड कर दिए कि इंजेक्टेबल्स पे आ जाइए, आप इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जो उन्होंने 2 साल इंजेक्शंस लगाए। देन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमसे स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, जिसके बीच में ट्रीटमेंट के दौरान ही उनको सोरेसिस के साथ साथ टाइफॉइड हुआ। अब टाइफॉइड में हम लाजमी सी बात समझते हैं, बिल्कुल एक तरीके से बोलें तो टाइफॉइड में हाइपर, जिसे कहते हैं कि हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, उसके बाद उनमें एग्रवेशन देखी जाती। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको फीवर आता है तो एग्रवेशन आ जाती है सोरेसिस में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट करती है कॉज ऑफ फीवर की वजह से। क्योंकि कभी भी आप देखना, हमको बुखार तभी आता है जब हमारी इम्यूनिटी बनने वाली होती है। जैसे आजकल कोविड के वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तो कोविशील्ड जब लगता है तो उसके बाद एक दिन का बुखार आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है हमारी बिल्डअप हो रही होती है, क्योंकि हम अपने अंदर के किसी भी शुक्राणु या कोई भी एक ऐसे तत्व से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो लड़ने वाले इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं जो फाइट करती है किसी भी जर्म से, किसी भी बैक्टीरियल से, किसी भी इन्फेक्शन से, वो उससे लड़ने के लिए जब अपने आप को मजबूत करती है तो वो आपके सोरेसिस को हार्म करती है या सोरेसिस को बढ़ाती है। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि टाइफॉइड के चलते भी उनकी कोई एग्रवेशन नहीं हुई, और एग्रवेशन ना होते हुए भी वो आज की डेट में 80-85% रिलीफ हो चुके सोरेसिस से। अब सबसे पहले उनकी थोड़ी जर्नी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको लेम में बता दिया कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखो, स्कैल्प सोरेसिस होता है। स्कैल्प सोरेसिस को आज आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल सी चीज़ है, आपने थोड़ा सा ऑइंटमेंट ले लिया, थोड़ा सा लोशन लगा लिया, या थोड़ा सा आपने मेथोट्रेक्सेट खा लिए, थोड़े से आपने अलग से जिसे कहते हैं कि फॉलिक एसिड, जो आपको रिकमेंड कर देते हैं एलोपैथिक वाले कि ये स्टेरॉयड ले लो, क्या पता इससे ठीक हो जाए, अच्छा इससे ठीक नहीं हो तो इससे ज़्यादा वाली डोज ले लो, बट कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल आपकी किडनी या लीवर में कुछ ना कुछ एक ऐसा डिस्टर्बेंस देखी जाएगी जिसको आप पूरे ज़िंदगी कोसते रहोगे कि ये चीज़ मैंने क्यों ली। वहीं पर अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो आयुर्वेद क्या करता है, आपकी किसी भी लीवर किडनी में दिक्कत तो देता नहीं है, इवन वो आपको सोरेसिस से प्योरली क्योर करने की कोशिश करता है, जिसे हम जड़ से कहते हैं। जैसे हम इस केस में देख रहे हैं, जैसे इस पेशेंट ने अपनी पूरी टोटल एंटायर लाइफ में 8 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने क्योर लिया सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर, क्योंकि 1 महीने की रिकवरी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी रिकवरी बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होता। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करती हैं ये सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है 1 महीने में आप रिकवर हो जाओगे।
ऐसा टाइम लग सकता है अगर आपके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो स्टेरॉइड से काफ़ी चलता हुआ रहा है, फिर आपने स्किप किया, फिर आपने अपना ट्रीटमेंट चेंज किया, तो एग्रावेशन मिलते हैं। बट अगर आपने स्टेरॉइड्स को पहले ही 6 महीने पहले छोड़ रखा है, उसके बाद अगर आपको एग्रावेशन आते हैं, उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप गारंटी ही 1 महीने या 1.5 महीने में रिकवर ले लोगे। बट यहाँ पर क्या चीज़ केस है, यहाँ पर केस है कि उन्होंने 8 साल तक रनिंग ट्रीटमेंट लिया। होम्योपैथिक के टाइम उन्होंने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमें वहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिल गई। कि वो कैसे हेल्प मिल गई, क्योंकि जो भी एग्रावेशन थे वो होम्योपैथिक के जब उन्होंने स्टार्ट किया था होम्योपैथिक में, वो 6 महीने में उनको रिफ्लेक्ट कर गए। उसके बाद क्या किया, होम्योपैथिक इन मामलों में सही है कि उन्होंने उस टाइम पे उसको स्टिल करके रख दिया, उससे उनको सोरेसिस आगे बढ़ा नहीं, बट क्योर नहीं मिला। सोरेसिस का पैच जितना था उतना रहा, बट उससे आगे बढ़ा नहीं। बट उससे हमको एक हेल्प मिल गई, हमको क्या हेल्प मिल गई कि एग्रावेशन वाला जो फेस था वो बेसिकली निकल गया। हमने अपने ट्रीटमेंट का जो एग्रावेशन वाला फेस, जो स्टेरॉइड छोड़ने के बाद साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, वो वाला फेस उन्होंने होम्योपैथिक में कवर करके निकाल दिया। बट जब हमने मेडिकेशन स्टार्ट करी तो उस वजह से उनको जल्दी रिकवरी, हमने देखा कि जल्दी रिकवरी मिलने चालू हो गई। और जहाँ तक आज की डेट में अगर मैं उन पेशेंट की बात करूँ, तो नॉर्मली अपनी लाइफ में पहले हैट या कुछ चीज़ें पहननी पड़ती थी या कैप पहननी पड़ती थी कॉज ऑफ स्कैल्प्स और एसेस की वजह से, तो आज की डेट में उनको कुछ ऐसा कैरी नहीं करना पड़ता और 85% रिकवरी उनकी हो चुकी है। और सोरेसिस देखो, मेनली क्या है कि अगर हम सोरेसिस को समझे भी तो है क्या चीज़, क्योंकि सभी कहते हैं कि ये मैनेजमेंट है, आप एलोपैथिक में जाते हैं कि मैनेजमेंट है, इसको मैनेज किया जा सकता है। देखो साफ बोलूँ, ग्यूटेट सोरेसिस में थोड़ा सा मैनेजमेंट हमें भी देखना पड़ता है, क्योंकि ग्यूटेट सोरेसिस कभी भी कैसे भी एकदम से एग्रावेट हो जाता है। बट सारे सोरेसिस ऐसा नहीं होते, टोटल 7 तरीके के सोरेसिस होते हैं, उसमें ग्यूटेट सोरेसिस एक थोड़ा टफेस्ट पार्ट है, या जिसे कह रहे हैं एरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स सोरेसिस होते हैं। बट बाकी की जितनी भी टाइप होती है वो ईजिली क्योरेबल हो जाती है। तो अगर आप सोरेसिस के पेशेंट हैं और आपको ये समझ में आता है कि अब तक जो आप ले रहे हो वो चीज़ आप गलत ले रहे हो, या जहाँ तक आप गूगल पढ़ोगे या गूगल पे थोड़ा बहुत अपना स्टडी करोगे कि जो आप ड्रग्स ले रहे हो वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है या नहीं, तो प्लीज़ एक बारी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा समझ आए कि वो चीज़ गलत है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी इमेजेस जहाँ पर सोरेसिस है उसकी को क्लिक करके या उसकी पिक खींच के नीचे वाले नंबर जो हम आपको नीचे दे रहे हैं नंबर, उसको आप WhatsApp कर दीजिए। उसके बाद मेरी टीम से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्या पता मे भी शायद आप भी रिकवर कर जाओ सोरेसिस से आसानी से। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा काम ज़रूर करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपको डाइट में मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जैसे हम आपको गाइड करेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, और आराम से उससे सोरेसिस से बाहर निकल के अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से बिता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, समझ आई हो, और हमारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल थोड़ा सा लगा हो कि हाँ ये चीज़ मेरा भी हो सकता है या मैं भी ठीक कर सकता हूँ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।